आवश्यकता आहे ती कोणत्या गोष्टीची आहे? पहिला आहे उद्देश आणि पहिला आहे कारण और दुसरा आहे चरित्र आणि दुसरा आहे चरित्र और तिसरा आहे कॅरेक्टर लक्ष्य आणि तिसरा आहे लक्ष्य। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। आणि आपलं जे उद्देश्य आहे ते आत्मिक वाढीसाठी काय असलं पाहिजे? और भी दूसरा हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? लोग हमको कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रभु में हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो कैसे लोगों को दर्शाया जाएगा कि हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? आणि आपण प्रभूमध्ये आपली वाढ होत आहे आपल्याला कशा रीतीने दर्शवता येईल, आपलं जे चरित्र आहे ते कशा रीतीने आपल्याला दर्शवण्यात येईल? और तिसरा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आणि तिसरं चार लक्ष्य आहे ते कसं असलं पाहिजे? हम संसारिक बातों को हम लोग कुछ भी काम करते तभी हम लक्ष्य रखते हैं। आणि जगी गोष्टीमध्ये जेव्हा आपण काही काम करायचं असतं तेव्हा आपण एक लक्ष्य ठेवतो, एक ध्येय ठेवतो। आप लोग को अगर कोई काम पे जाने वाले हैं तो आप लोग क्या रखते हैं? एक लक्ष्य रखते हैं। मतलब लक्ष्य मतलब क्या? आप एक उम्मीद रखते हैं कि इतना ही मेरा पगार होना चाहिए, इतना पगार होने पे मैं काम पे ये काम करूंगा। आपका लक्ष्य रहता है बहुत सही बात में आपको पूरा करने के लिए प्रयास करते हो। आई तुमचं लक्ष्य असते की खूप सारी गोष्टी तुम्ही पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करता। तो हम लोग का लक्ष्य भी होना चाहिए की हम लोग आत्मिक उन्नति कैसे आत्मिक उन्नति में क्या करें। आणि आपलं लक्ष्य सुद्धा असलं पाहिजे आणि प्रयत्न सुद्धा असलं पाहिजे की आपण आत्मिक वाढीसाठी काय केलं पाहिजे। अगर हमने सुसमाचार के बारे में देखा आणि काल आपण सुवाते बद्दल बघितले, हमने स्वीकार किया की यीशू मसीह के सुसमाचार के बिना हम वास्तव में अपने दयनीय स्थिति में नहीं है। आणि आपण स्वीकार केलेलं की येशू ख्रिस्ताचे सुवाते बगर आपण आपले वास्तव आणि दैनिक स्थितीमध्ये नाहीये। हम उसके बिना हम बचाए नहीं जा सकते। आणि त्याच्याशिवाय आपण तारण होऊ शकत नाही, आपण वाचवले जाऊ शकत नाही। हमने महसूस किया की सुसमाचार की जो बात है आणि आपण ही जाणीव केली की जी सुवाते ही जी गोष्ट आहे सुसमाचार के बिना मनुष्य को वास्तव में निराशजनक और उद्देश्यहीन होता है। आणि सुवाते बगर जे मनुष्याचं जे जीवन असते ते निराशेत असतं आणि त्याचं उद्देश्य के बिना रहता है। आई अगर आपके पास सुसमाचार नहीं है तो आपके पास क्या उम्मीद है? तो आप निराश उम्मीद नहीं रहेगा तो आप निराश व्यक्ति गिने जाते हैं। जो व्यक्ति के पास उम्मीद नहीं रहता जो बातों की वो हमेशा निराश में रहता है। आपको कुछ बात पता नहीं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है तभी आप निराश में रहते हैं। अर्थात अभी आपके जीवन में कुछ चल रहा है तो आपको मालूम है कि ये सब अभी समझो उपवास चल रहा है। उपवास चालू आहे। आप लोगों को बताया गया है कि पहले की उपवास 7 दिन का है, 7 दिन में खत्म होने वाला है। तो आप लोग ने वो उद्देश्य शादी नहीं करना है बोल के आप लोग कर रहे हैं। उद्देश्य आपको उद्देश्य मालूम है कि आप लोग उपवास क्यों कर रहे हैं? पर जो व्यक्ति पहले दिन आता है पर जो व्यक्ति पहला ऋषि है उसको कुछ नहीं पता कि कितने दिन का उपवास है। आई त्याला काही माहित नाही की केवढे दिवसांचा उपवास आहे। सिर्फ उसने एक सुना की उपवास है। आई फक्त एक त्याने ऐकलेलं असतं की फक्त उपवास आहे। तो वो क्या है उसको निराश में रहेगा, अरे कब तक उपवास करना है, कब तक करना है। आई तो निराशामध्ये असेल की केव्हापर्यंत मी उपवास केला पाहिजे, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं की क्या कितना दिन तक करना चाहिए, उसने बराबर सुना नहीं है, पूछताछ नहीं किया, उसको पता नहीं है। कारण त्याला योग्य रीतीने माहित नाही की उपवास किती दिवसांपर्यंत करायचा आहे, किंवा योग्य रीतीने त्याने ते ऐकलेलं नाही, किंवा त्याने एकमेकांना सुद्धा विचारलेलं नसतं। पण आज हम लोग निराश नाही आहे, क्योंकि हमारे पास सुसमाचार आहे और हम लोग के पास उद्देश्य आहे की परमेश्वर हमें चुना आहे। आणि आज आपण निराशामध्ये नाही कारण आपल्याकडे सुवार्ता आहे आणि आपल्याकडे उद्देश आहे कारण देवाने आज आपल्याला निवडलेलं आहे। तो हम लोग देखते पहिला मुद्दा आणि आज आपण पहिला मुद्दा बघतो आध्यात्मिक विकास, मतलब आध्यात्मिक आत्मिक रीति में हम कैसे बढ़े आणि आत्मिक विकासामध्ये आपण कशा रीतीने आपली वाढ झाली पाहिजे, उसका उद्देश आणि त्याचा उद्देश क्या होना चाहिए आणि काय असला पाहिजे। तो हम लोग देखेंगे की यदि आप अपने नियति को नहीं जानते हैं आणि जर तुम्ही तुमच्या नियतीला ओळखत नाही, नियति का मतलब क्या? हम अपने पास्ट को जो हमारा भूतकाळ आहे उसको हम जानते हैं क्या? आणि नियतीचा अर्थ काय? जे तुमचा भूतकाळ आहे त्याला तुम्ही ओळखता का? हर समय हम देखते की प्रभु भी हमारा भूतकाळ बताता है आणि प्रत्येक वेळेला आपण बघत असतो की देव सुद्धा आपला भूतकाळ सांगतो। वचन में वो कहा गए आणि वचनामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे, प्रभु हमको नीचे नहीं करता वो भूतकाळ बता के आणि देव आपल्याला खाली पडत नाही की भूतकाळ आपल्याला सांगतो, हमें सिर्फ बताता है कि हम याद रखे कि हमारे जीवन में क्या हुआ था। हम लोग एक हम मनुष्य जब एक दूसरे का भूतकाल निकालते तो हम लोग एक तुच्छ देखते हैं उसको, एक नीचे देखने के रीति से बोलते हैं। आई जेव्हा कोणता मनुष्य एखादे मनुष्याला त्याचा पाठीमागचा जेव्हा भूतकाळ सांगतो तेव्हा तो त्याच्या मागे हा उद्देश असतो की त्या व्यक्तीला खाली पाडण्याचा त्याचा उद्देश असतो। अगर हम देखेंगे की पौलुस ने भी इफिसियों के कलीसिया को उनका भूतकाळ क्या था वो बताया आणि पौलुसने सुद्धा काय केलं, इफिसियांची मंडळी होती त्यांना त्यांचा भूतकाळ सांगितलं।
उसने उनको एफसीओ की पत्र दे दो का एक से तीन में आप पढ़ सकते हैं उनको कहा है कि तुम पहले ऐसे थे पर अब ऐसे हो इसलिए उनका एक उद्देश्य अस्तित्व नहीं है वो बहुत सारे उद्देश्य रखते हैं यीशु के ऊपर बहुत सारे उम्मीदें रखते हैं यीशु के ऊपर यदि आपके जीवन में कोई विशेष दिशा है तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है अभी आपको इधर आने के लिए दिशा आपको मालूम है कि कौन से दिशा से जल्दी आप पहुँचते हो स्टेशन से उतरने के बाद आपको कैसे आना है तो आप लोग कैसे पहुंचेंगे और कैसे जाएंगे अगर जिसको दिशा ही नहीं पता इधर आने का वो भटक जाएगा हमें भी परमेश्वर ने दिशा बताया पवित्र शास्त्र के द्वारा कि स्वर्ग में हमको जाना है तो उसके पास आना है वो हमारे लिए दिशा ठहराया गया है आज बहुत से लोग एक साथ एक साथ समस्या में रहते हैं वो ये है कि वे अपने जीवन के लिए जिस दिशा को चुनते हैं वो अक्सर असंतोष दर्शाया जाता है आनंदहीनता मतलब आनंद नहीं रहता उनके दिशा में जिस चीज को वे उम्मीद कर रहे थे अपेक्षा उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें रखी थी वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं होती अर्थात आप जब भी मूर्ति पूजा करते थे तभी आपके बहुत सारी उम्मीदें थे मूर्ति के ऊपर जीवन तुम्हें मूर्ति पूजा कर आप लोग उसके सामने प्रार्थना करते थे आप लोगों को क्या लगता था कि वो आपका प्रार्थना सुनेगा वो आपको उत्तर देगा आप लोग बहुत सारी उम्मीदें रखते थे उसपे पर आप लोग इस सब उम्मीदों को नाश हो गई क्यों आपको अभी सत्य परमेश्वर की पहचान हो गई है जिस चीज को वे उम्मीद कर रहे थे वे सब आंतरिक मतलब शरीर की थी आर्थिक शांति की आर्थिक शांति आनंद के आनंद और उद्देश्य रखे थे उद्देश्य होता जब वे अपनी दिशा का अनुसरण करते हैं तो वे अपने लक्ष्य को नहीं पाते पर बाइबल हमें बताता है और बाइबल इस बारे में हमें बात करता है कि परमेश्वरी मार्ग है कि देवस मार्ग है और वो स्वर्ग की रास्ता है हमारे लिए तो स्वर्ग से एक मार्ग है आपके साथ हम पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 14 का 12 में आप लोगों को वाचू शब्द नीति सूत्र अध्याय 14 के 12 में ऐसा मार्ग है तो जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है जो मनुष्य का ठीक माइंड पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है मैं आपको अभी दो कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ आप देख सकते हैं कि हम जब इस संसार में चल रहे हैं हमको लगता था कि हम जो मार्ग में चल रहे हैं वो सत्य है वो सीधा हमें स्वर्ग ले जाएगा मोक्ष मिलेगा उसके द्वारा आप लोग मोक्ष के पीछे भाग रहे थे उस समय मोक्ष का मतलब लक्ष्य नहीं है उद्धार तो हम लोग क्या सोचे थे हम ऐसे ऐसा बात रखेंगे तो हम लोग ये कर रहे थे उसके पीछे लक्ष्य रखे थे हमने पर प्रभु ने कहा कि वही मार्ग है वही सत्य है तो हम जब भी उस मार्ग में चल रहे थे हमको कोई रुकावट नहीं था हम सीधा चल रहे थे किसी से कोई तकलीफ नहीं सब हमारे घर वाले हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे सोसाइटी हमारी कम्युनिटी हमारे लोग सब हमारे साथ थे सरल होते
और जब हम प्रभु के पास आए प्रभु कड़े आलो हमारे घर के लोग अपने घर के लोग हमारे सोसाइटी के लोग अपने सोसाइटी मध्य लोग अपने जाति के लोग अपने जाति मध्य लोग सब हमारे विरोध हो गए सब अपने विरोध मध्य उभे तब हमारा सताव कार्य हो गया तब हमें लगता क्या है कि हमने जो मान चुना है सच में सत्य है आप लोग के जीवन में मेरे भी जीवन में मैंने भी सोचा है कि सच में अभी मैं आपको सच में बता दूं कि मैंने भी सोचा कि सच में हम यीशु पे जो भरोसा रखते हैं वो सत्य है जब संडे को प्रीच होता था कि लोग ऐसे सोचते तो मैंने भी सोचा था कि सच में ये है क्या लोग सोचते तो बराबर है क्या पर प्रभु ने ये वचन दिया है नीति वचन अध्याय 14 का 12 में हम ऐसा मान सोचते कि जो हमें सीधा तरीके से अच्छे तरीके से लेके जाने वाला है हम उसका अंत नहीं जानते पर जो मार्ग ऐसा है जहाँ पे हमको तकलीफ है बहुत सारी रुकावट है पर उसका अंत हमको पता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे मैं उपदेशक यरूशलेम के में इस्राएल का राजा था मैंने तो अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करो पर ये बड़े दुख का काम है क्या कहता है ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे मैंने उन सब कामों को देखा सूर्य के नीचे किए जाते हैं देखो वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है जो पेड़ा है दो वाकड़ा है जो वाकड़ा है वो सीधा नहीं हो सकता तो सरल हो नहीं सकता और जो है जो आगे ही नहीं वो गिना नहीं जा सकता तो इधर क्या कह रहा है हम लोग ऐसा मार्ग पे चल रहे थे तो आशा मार्ग पर चलो तो हमारा क्या किससे उल्लेख किया सुलेमान ने एक मनुष्य हवा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है क्या कर रहा है वो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है पर वो पकड़ सक रहे हैं पकड़ू शको का नहीं हालांकि बाइबल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के उद्देश्य आनंद शांति सब यीशु और कई यीशु के कारण हमें मिलता है इसका कारण ये है कि हमारी सभी लक्ष्य के केंद्र हम को स्वयं उस परमेश्वर पे रखना है जिसने ब्रह्मांड बनाया है जिसने हम सबको बनाया है बाइबल हमें सिखाता है कि एक ही निर्माण करता है एक निर्मति करता है वो परमेश्वर है तो देव है इसलिए हमारे जीवन के लिए अपने जीवना साथी उसके नियमों को नियम और उसके निर्देशों को निर्देशक उसके अधीन होना चाहिए परमेश्वर कौन है देव कौन है आप कैसा परमेश्वर को बता सकते हैं आपके आप बाइबल पढ़ते हैं आपको परमेश्वर के बारे में मालूम है तो परमेश्वर का उल्लेख क्या दे सकते हैं बताइए सारे इसमें मैं आपको पूछना चाहता हूँ परमेश्वर कौन है एक एक शब्द में या एक वाक्य में बताइए सब लोग धीरे एक एक जगह में पूछूंगा पुरुषों से चालू कीजिए बोलिए परमेश्वर कौन है एक एक धीरे धीरे बोलो
परमेश्वर देव कौन है? जो आत्मा है तो देव है। देव कौन है? परमेश्वर कौन है? देव कौन है? जिसको कोई बना नहीं सकता। परमेश्वर वो होता है जो बनाता है पर वो किसे बनावा नहीं रहता। मेरा अर्थ समझा तो हम परमेश्वर नहीं है, मूर्ति भी परमेश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको हमने बनाया है, हमने उसको सृजा है, हमने उसको आकार दिया है। जो किसी से भी बना नहीं रहता वो परमेश्वर है। जो कोना पासून तैयार होत नाही तो आहे देव। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर कहां से भी आया नहीं, परमेश्वर अनंत काल से था, अनंतकाल से था। आई देवाला कोणीही बनवलं नाही, देव कुठूनही आलेला नाही, तो अनंत काळापासून आहे। उसको किसी ने बनाया नहीं, आई देवाला कोणीही बनवलेलं नाही। उसको हम ऐसे घर में कैद करके रख नहीं सकते। आई आपण त्याला आपल्या घरामध्ये कैद करून ठेवू शकत नाही। वो कहां पे ब्रह्मांड में कैद नहीं है। आई तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। आई तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। इसलिए उत्पत्ति एक क्या कहता है? आई तो उत्पत्ति आते एक कैसे एक में कहीं नहीं लिखा है। कोई बता सकता है उत्पत्ति बिना देखे, बिना बाइबल खोले कोई बता सकता है उत्पत्ति एक क्या है? पानी तुम्हें दोनों बोल ले, एक मध्य का है परमेश्वर आदि, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि प्रारंभ भी दिवाने आकाश और पृथ्वी से निर्मित की गई। आदि में आदि प्रारंभ भी क्या क्या परमेश्वर ने आदि देवाने काय केलं? सृष्टि की निर्मित की। आदि सृष्टि की निर्मित की। आप बाइबल पूरा पढ़े हैं, पढ़े होंगे। आई तुम्हें बाइबल पूरा वाचलेला असेल। यहां पे हमने तो वर्ड पढ़ा है कि परमेश्वर को किसी ने बनाया है। आई तुम्हें तुम्हें ऐसा एखादा शब्द वाचले की देवाने क्या लिखा? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, इस बातों को बनाया, परमेश्वर ने बनाया। आणि काय लिहिले की देवाने मनुष्याला बनवलं, देवाने सृष्टीला बनवलं, देवाने या प्रत्येक वस्तूला बनवलं आणि परमेश्वराने बनवलेलं। ऐसा नहीं लिखा की परमेश्वर को इसने बनाया था। आणि असं लिहिले नाही आहे की देवाला कोणीतरी बनवलेलं होतं। कोई ये शब्द में आणि कोणी या शब्दामध्ये और नहीं ये शब्द में आणि नाही या शब्दामध्ये नहीं नहीं मतलब परमेश्वर को किसने परमेश्वर ने मतलब बोलते ना देवाने ने आई देवाने तो ने ये शब्द में बहुत बड़ा दूरी है और बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं फर्क है। आणि ने या शब्दामध्ये खूप मोठा दुरावा आहे आणि खूप मोठा फरक सुद्धा आहे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया आणि देवाने मनुष्याला बनवलं ये सही वाक्य है। आणि हे योग्य वाक्य आहे। परमेश्वर को इसी ने बनाया था वो गलत वाक्य है। आणि देवाला कोणीतरी बनवलेलं नाही चुकीचं वाक्य आहे। तो सही शब्द में अगर आपको कभी कुछ पूछा तो आप लोग ने जो उत्तर दिया वो भी दे सकते हैं, पर ये भी दे सकते हैं कि परमेश्वर ये है जिसने हमको बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया। ऐसा तुम्हाला कोणी विचारलं तर तुम्ही जे उत्तर दिलेले आहे ते तुम्ही देऊ शकता, पण सोबत हे सुद्धा बोला की देवाने आम्हाला बनवलेलं त्याला कोणीच नाही बनवलं। God is the one who has been created, not a created one. आई देवाने काय केलेलं आहे आपल्याला बनवलेलं आहे पण देवाला कोणीच बनवलेलं नाहीये। तो हमारे जीवन को प्राथमिक प्रेरणा परमेश्वर का सम्मान करना है। आई आपल्या जीवनामध्ये जी प्राथमिक प्रेरणा आहे ती देवाचा सन्मान करणे ही आहे। हमारा जीवन क्या करना है हमारे जीवन से? आई परमेश्वर ने बना तो दिया तो हमारा जीवन का प्राथमिक बात क्या है? आई देवाने आपल्याला बनवलेलं तर आहे ना, आपल्या जीवनामध्ये जी प्राथमिकता आहे ती काय आहे? परमेश्वर का सम्मान करना है। आई देवाचा सन्मान करणं, उसकी इच्छा को पूरा करना, त्याच्या इच्छांना पूर्ण करणं। जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा करता है, आई जेव्हा मनुष्य काय करतो देवाचा गौरव करतो, तो ठीक वही कर रहे होते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। आई ते योग्य तेच करत असतात ज्यांच्यासाठी त्यांना बनवण्यात आलेलं असतं। और इसलिए भी अपने जीवन के लिए दिशा और उद्देश्य पा सकते हैं। आई म्हणून ते त्यांच्या जीवनासाठी उद्देश आणि दिशा प्राप्त करू शकतात। हम हमारे जीवन का उद्देश्य और दिशा कब पा सकते हैं? आणि आपण आपल्या जीवनातील उद्देश आणि दिशा कधी प्राप्त करू शकतो? जब हम समझते कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर की बनाए हुआ हल्का रचना हो, जब ये सब कभी होता है जब हम सुसमाचार समझते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया, तब हम ये सब बातें समझते हैं। आणि जेव्हा आपण सुरुवातीवरती विश्वास घेतो, सुरुवात समजून घेतो, तेव्हा आपल्याला समजण्यात येते की देवाने मला बनवलेलं आहे। आई हम कुछ चिन्हों पर विचार करें। आई काही चिन्हांवरती आता आपण
विचार करूया जो हम सिखाते हैं आणि जे आपण शिकवतो की हमारे प्राथमिक उद्देश ईश्वर की परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना और उसका सम्मान करना क्या है आणि जे आपले प्राथमिक उद्देश आहे ते देवाची इच्छा पूर्ण करणे आणि देवाचा सन्मान करणे काय आहे हमारा सारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए आणि आपले जे संपूर्ण आयुष्य आहे ते देवाच्या गौरवासाठी असले पाहिजे हमारे घर वालों की महिमा के लिए नहीं आणि आपल्या घरच्या महिमेसाठी नहीं हमारे संसार के महिमा के लिए नहीं आणि आपले जगाचे हम जो जाति में रहते उनके महिमा के लिए नहीं आई जहाँ जाति के मतलब आप आगे गए त्यांच्या गौरवासाठी नहीं जो सोसाइटी में हम लोग जो लोगों में रहते हैं जो लोगों में रहते उनके लिए नहीं आई जहाँ सोसाइटी में यानी जहाँ लोगों में आप राव खाते त्यांच्या गौरवासाठी नहीं पर किसके महिमा के लिए होना चाहिए हमारे जीवन आई आपके लिए जीवन आने कोने से गौरवासाठी असले पाहिजे सिर्फ परमेश्वर आई फक्त देवाचा क्या क्या बोलना है आपको आई काय सांगायचं आहे तुम्हाला सिर्फ परमेश्वर के लिए आई फक्त देवासाठी बाकी किसके लिए आई बाकी कोणासाठी नहीं हम अगर सिर्फ 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 नहीं परमेश्वर ही बोलेंगे जब आई जेव्हा आपण देव म्हणतो तो और कोई है उसके पीछे तर आणखी कोणी आहे त्याच्या मागे और किसको महिमा दे आई आणखी कोणाला गौरव हवाय जब हम ये शब्द लगाते सिर्फ आई जेव्हा आपण शब्द लावतो फक्त तो किसके वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए दर्शाया जाता है आणि ते एका फक्त एकच व्यक्तीसाठी दर्शवण्यात येतं अभी मैं ऐसा कहूंगा आणि जर मी आता असं म्हटलं जे पाणी मैंने प्रमिला निकलेला आहे आणि मी जे पाणी आहे प्रमिला काकीसाठी आणलेलं आहे प्रमिला टी के पीने के बाद कोई भी पी सकता है आणि प्रमिला काकी पिऊ चालेल तर कोणी पिऊ शकतं पण जब मैं बोलूंगा की ये सिर्फ मैं प्रमिला टी के लिए लाया है आणि जेव्हा मी म्हणतो की मी हे पाणी जे आहे ते फक्त प्रमिला काकीसाठी आणलेलं आहे किसके पास किसका अधिकार है त्याच्यावरती कोणाचा अधिकार आहे किसको हम लोग दूसरा दे सकते हैं आणि दुसरा कोणाला आपण देऊ शकतो नहीं नहीं क्यों काम मैंने बता दिए कि सिर्फ उनके लिए उनकी वो ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है इसका आई भी सांग चला ये फक्त तेंजे साड़ी से दे से हम सब आवर करूं शक्तर हम लोग एक वचन निकालेंगे आई अपने एक वचन काल में वचन संविधान है 96 उसका एक से दर स्तोत्र संहिता के शायद में तो से एक से दहा मतलब वो घर में जाके पढ़िए आई कभी नहीं करती जाऊँ वादू शक्ता हम लोग और पढ़ेंगे कि यशया 42 उसका 12 यशया 42 उसका 12 वचन बोलिए वे यहोवा की महिमा प्रकट करे आणि त्यांनी देवाचा गौरव प्रकट करावा और दीपो में उसका गुणानुवाद करे आणि त्यांनी काय करावं गीतांमध्ये त्याचा गुणानुवाद करावा परमेश्वर इधर हमारे से क्या कर रहा है आणि देव आपल्याकडून काय प्राप्त करत आहे उसकी महिमा करे उसकी स्तुति करे आणि आपण त्याचा गौरव करा त्याची स्तुति करा मतलब दुसरा वचन भी पढेंगे की यशायाचे 43 का 5 और 7 आणि यशायाचे 43 का 5 आणि 6 वचन भजन संहिता 96 उसका 1 से 10 स्तोत्र संहिता 1 से 10 कोई बात मत करो सिर्फ सुनो अभी लिख लो जल्दी भजन संहिता 96 उसका 1 से 10 स्तोत्र संहिता 1 से 10 1 से 10 1 से 10 यशायाह 42 का 12 यशायाह 42 से 12 लिखा सबने आणि सर्वांनी लिहिलं और यशायाह 43 का 5 से 7 आणि यशायाह 43 से 5 से 7 पर्यंत पहिला कोणता वचन बोला भजन संहिता कितना आई से लेके 110 क्या आई 110 हो रहा 110 वैसे नहीं होता है और ये 42 का और ये 43 का और भजन संहिता 86 का 8 से 10 भी पढ़ सकते हैं आणि स्तोत्र संहिता 86 का 8 ते 10 पर्यंत तुम्ही वाचू शकता तो इस सब में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में कहा गया है और हमारा कर्तव्य क्या है परमेश्वर के लिए आणि याच्यामध्ये तुम्ही वाचू शकता की देवाबद्दल इथे दिलेत आलेले आहे आणि आपले जे कर्तव्य ते देवाप्रती काय आहे परमेश्वर के लिए हमारा कर्तव्य क्या है आणि देवाच्या प्रति आपलं कर्तव्य काय आहे तो हमें हमारा कर्तव्य निभाना है आणि आपण जे आपलं कर्तव्य आहे ते पार पाडलं पाहिजे तो परमेश्वर की यही इच्छा है की हमें जो कर्तव्य दिया है वो हम सही रीतीने निभाए आणि देवाची ही इच्छा आहे की जे कर्तव्य आपल्याला देण्यात आले त्याचे योग्य रीतीने आपण पार पाडलं हम क्या करते हैं मनुष्य हमें जो संसारिक रीति से कर्तव्य दिए जाते हैं आणि आपल्याला जे जगी रीतीने कर्तव्य देण्यात येतात हम उसको बराबर से पार करने की कोशिश करते हैं आणि आपण त्याचा योग्य रीतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न करतो पण परमेश्वर ने जो हमको कर्तव्य दिया वो हम पूरा नहीं करते आणि देवाने जे आपल्याला कर्तव्य दिलेले ते आपण पूर्ण करू शकत नाही अर्थात आणि अर्थात हम कुटुंब को संभालने का जैसे स्त्री को काम दिया गया कुटुंब को संभालना सुबह से काम करते घर चलाते खाना बनाते कपड़ा धोते झाड़ू मारते पोछा मारते सब करते आई स्त्री का काम से लेते तो कुटुंब का संभाल करने झाड़ू मारते पोछा करने जे काही साफ सफाई करा मंदी ते सर्व पड़े अगर पति से झगड़ा हुआ फिर भी आप करते और बोल के बोलते कि मैं ये करने का मेरा कर्तव्य इसलिए मैंने किया आणि नगर से भांडण झाले तरी सुद्धा तुम्ही सगळी काम करता आणि तुम्ही म्हणता की माझे कर्तव्य आहे म्हणून मी केलेला आहे जैसे पुरुष लोग भी क्या बोलते हैं
आणि पुरुष लोक काय बोलतात जब वो लाते है पगार आई जेव्हा ते पगार आणतात तो वो देते और बोलते की मेरा कर्तव्य था इतने मैंने किया अभी ले आई ते देतात आणि म्हणतात की माझं कर्तव्य होतं म्हणून मी केलं आता तू घे आणि तो सांभाळ आणि याचा सांभाळ कर तो हम लोग कर्तव्य दिखाते लोगों को आणि यापुढे जे कर्तव्य आहे ते लोकांना दाखवतो तो हम लोग क्या करते कर्तव्य हमारा जो है हम लोग को सौंपा गया वो हम दिखाते लोगों को आई जे आपल्याला ते कर्तव्य टाकण्यात आलेले ते आपण करून लोकांना दाखवतो की हमको ये दिया गया हमने पूरा किया आणि आम्हाला देण्यात आलेलं तर आता आम्ही पूर्ण केलेलं आहे पण परमेश्वर अपना कर्तव्य हमें बार बार दिखाता नहीं कि उसने दिए है वो एक ही बार कहा है हमको चलना उसके पीछे आई देव त्याचं जे कर्तव्य आहे ते वारंवार आपल्याला दाखवते की बघ माझे कर्तव्य और उसका कर्तव्य क्या है आई जैसा कर्तव्य क्या है हमें उसने छुड़ाया है आई तेरे हमें सड़ो लेना है हमको उसके पीछे चलना है आई आप यहाँ कैसा मांग के साले चाहे और आनंद जीवन पाना है आई सालों का एक जीवन प्राप्त कराए चाहे अभी हम तीन ऐसे पद देखेंगे आई यहाँ तो अपन तीन ऐसा कुछ ही कर दिया तीन पदों को देखेंगे तीन वाक्यों को देखेंगे आई तीन वाक्य ना हो गए जो हमारे मसीह जीवन में आई यहाँ पे एक ख्रिस्ती जीवन में उद्देश्य से संबंधित है आई उद्देश्य से संबंधित है पर हमारे मसीह जीवन में वो बहुत लाभदायक है आई आपने जो ख्रिस्ती जीवन में भी लाभदायक है एक मसीह विश्वासी को आई एक ख्रिस्ती विश्वासी ईश्वर को राज में किसी को लाते हो आई जब तुम देवाचा राज में कोणाला तरी आणता आपका जब उद्धार होता है किंवा जब तुमचा तारण होता तो आप एक दूसरे को उत्तेजित करना चाहिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए आई तुम्हें एकमेकांना प्रोत्साहित केला पाहिजे देवाचा गौरव करण्यासाठी जो अभी प्रभु में आया तू ये कर परमेश्वर में बना रहे पर उसको समझाने उसको काउंसलिंग करना है उसको डिसिपलशिप करना है मतलब एक शिष्य कैसा एक गुरु और शिष्य का नाता कैसा रहता है वैसा करना है आई त्यांना समजवायचं आहे की तू असं केलं पाहिजे तसं केलं पाहिजे आणि त्याला काय करायचंय देवाचं शिष्य त्याला बनवलं पाहिजे नहीं उसको शिष्य को कैसा सिखाया जाता है वैसा हमें करना है आई जसं शिष्याला शिकवण्याचं तो तसं त्या रीतीने त्याला आपण शिकवलं पाहिजे एक गुरु क्या करता है आणि गुरु काय करतो आपले शिष्य को अगुवाई करता है आणि आपल्या शिष्याचं पुढारी पण करतो पहिले काल में जो गुरु रहते थे आणि जे पहिल्या काळामध्ये जे गुरु असायचे जैसे यीशु मसीह एक गुरु बोला जाता है आणि जसं यीशु मसीह सुद्धा गुरु म्हणून उन्होंने क्या किया उनके पीछे चलने वाले लोगों को कुछ बातें बोली कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये होगा यीशु ने काय केलं त्याच्या मागे चालणारे तो हमें जो भी मसीह में नए आते हैं हम हम कोई भी मसीह में नए आते हैं तो हमें क्या ढूंढना है एक अच्छा प्रभु में विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढना है पर हमारे चर्च में वैसे लोग नहीं है हम लोग अगर ढूंढने के भी मिल भी जाएंगे पर एक विश्वास योग्य जो जीवन जीना चाहिए वो नहीं है अगर आपने कुछ आपके लाइफ का बातें शेयर किया आपके कुछ सीक्रेट बताए तो सीक्रेट नहीं रखेंगे नहीं। दूसरे दिन तक पूरे दुनिया में मालूम हो जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है हमारे से कोई व्यक्ति अगर बात करता है कोई बताता है हमें पर्सनली वैयक्तिक रीति से तो हमें उससे बताना है हाँ इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा ये बात है चलेगा मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा तो टेंशन मत ले हम दोनों प्रभु से संगति में रहेंगे तो ऐसा कर बात हम लोग उससे संगति करना चाहिए और उसको एडवाइस देना चाहिए और उसमें जो पता है वो दूसरे को घर वालों को भी नहीं बताना जैसे कि उदाहरण मेरे को बहुत पहले ये लालच करता हूँ मैं पैसा देखने के बाद मेरे को लालच होता है ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ अगर मैंने खुद से एक व्यक्ति को ऐसा चुना जो मेरे को बताएगा कि अगर तेरे को लालच आ रहा है तो प्रार्थना कर परमेश्वर तेरी अगुवाई करेगा और ज्यादा पैसों के पीछे मन मत लगा पैसों पे मन मत कर आई जर मी कोणत्या अशा व्यक्तीची निवड केली तो जर मला सांगते जर तुझ्यामध्ये लोभ आहे तर तू काय कर देवाकडे मदत घे आणि देवाकडे प्रार्थना कर जबी भी तू पैसा देखेगा आणि जेव्हा पण तू पैसे बघशील प्रार्थना कर पहिले आणि प्रार्थना कर पहिले की तेरे अंदर लालच नाही भरे की तुझ्यामध्ये लोभ येऊ नये और घर से निकलते समय हर समय प्रार्थना कर की तेरे अंदर लालच नाही आए आणि घरातून निकलत पहिले तू प्रार्थना कर की तुझ्यामध्ये लोभ येऊ नये और लालच एक ऐसी बात है जो कभी भी आ सकती कोई भी शर्मे देखते ही हो जाती है आई लोग भी ऐसी गोष्ट है जो कोणत्या क्षणाला बघता सगळे तुमच्या मध्ये येऊ शकते ऐसा ही नहीं की पैसों का लालच आणि असं नाही की पैशांचा लोभ कोई भी बात का आणि कोणत्याही गोष्टीचा स्त्रियों का पुरुषों का आणि स्त्रियांचा पुरुषांचा घरों का आणि घरांचा घर के वस्तुओं का आणि घरातील वस्तूंचा
कुछ भी बातों का लालच हो जाएगा। उसमें से बचने के लिए हमें एक ऐसा हमारे साथ एक सहायक ढूंढना है। प्रभु यीशु तो है सहायक, पर एक मनुष्य में एक ऐसा सहायक ढूंढना है कि वो हमें सिखा सके, परमेश्वर के वचन से अगुवाई कर सकते, जो प्रभु में बढ़ा हुआ है। जैसे की अपने चर्च में अम्मा है, तो वो उनको उनके ऊपर अभी सबका लोड होता है। आप लोग भी बनो, प्रभु ने आपको ऐसी सब सेवाओं के लिए चुना है। प्रभु ने आपको भी बोला है एक दूसरे को उत्तेजित करो, आना जाना ये बस मत करो। ऐसी पुस्तक बोलते हैं, हाँ कैसा है भाई, हाँ ठीक है, हाँ कैसा है, ठीक है, चल भाई। बेटो उसके साथ उसको बुलाओ अपने घर में, उसको उसके घर पे जाओ। ये घर पे जाना, एक फेलोशिप करना, ये बहुत लोग हम सबको बहुत कंटाला आता है, बहुत बोझ होता है। पर जब संगति भी करते संसार की बातें मत करो। आप लोग अभी बोलेंगे हाँ संगति करने वाला ना, आज चलो आज मैं जाती हूँ, अभी उदाहरण में लेता हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ। उदाहरण भी तुम्हारा सामने है, अभी प्रवीण आंटी और कश्मीर आंटी दोनों मिल गए, अभी दोनों को भोजपुरी में बोलेंगे इसी उसके बारे में, सरस्वती आंटी भी उनके साथ, अभी कश्मीर आंटी के सामने, कश्मीर आंटी सोच रहे की वचन तो सिखाए की एक दूसरे की चुगली नहीं करना, पर मम्मी के सामने कैसा बोलो। मम्मी को कैसे सिखाऊंगी, थोड़ा बात में करेंगे, बात देखेंगे, अभी हम भी लग जाते हैं चुगली करने का। आप लोग क्या उद्देश्य से जमा हो गए थे उधर, संगति करना, किस संगति के, परमेश्वर की उन्नति होने के लिए, परमेश्वर के लिए आपने संगति के लिए समय निकाला था। पर हमने उल्टा ही कर दिया, हमने परमेश्वर की संगति को छोड़कर शैतान की संगति को बढ़ावा दिया। ये उदाहरण दिया है तो हम लोग करते नहीं है। दूसरा मुद्दा हम देखेंगे, बाइबल में परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड के का केंद्र और अधिकारी है। अधिकारी है, परमेश्वर ही सब कुछ संभालने वाला है। हम सोचते हैं ना कि बारिश कभी भी आती है, धूप कभी भी निकलता है, छाव कभी भी आ जाती है, ये सब अभी पहले काल में तो 1 जून बोला जाता था, 1 जून को ही बारिश आता था, अगर फेब्रुवारी चलोगे तो गर्मी तभी चलती थी, अभी तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। हम ये बोलने के बाद पश्चात हमें सोचना भी है पहले, इसको बनाने वाला कौन है, विचार करने से आपको विचार केला पाहिजे की त्याला बनवणारा कोण आहे। एक ऐसा शिक्षण है, शिक्षण आहे जो बायबल के विरुद्ध है, आणि जे बायबलच्या विरोधामध्ये आहे, उसको थीसम बोला जाता है। वो क्या कहता है, परमेश्वर ने सृष्टि बना दिया, पर परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया जो अपने में चले, ये गलत है, परमेश्वर ने सृष्टि बनाया और उसको चलाता है और उसको संभालता है। अगर परमेश्वर नहीं संभालता तो हम लोग जीवित रहते हैं, आज एक सृष्टि में जो भी बात दिखती वो होता, महामारी आई प्रभु ने हमको बचाया, मतलब प्रभु है, इधर बहुत से लोगों को कोविड भी हुआ, पर प्रभु ने उनको बचाया, हम उन लोगों को बचाया, परमेश्वर ने उस महामारी से लोगों को बचाया। हम लोग उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते कि वो पाप किए इसलिए उनको कोविड हुआ, ये नहीं, क्या आप लोग ने पाप नहीं किया, जिनको नहीं हुआ उन लोग नहीं, सब लोग पापी है, सब लोग
पापी आहे. कुछ लोगों के ऊपर हो जाता है ये उनका केयरलेस के कारण और कुछ बातों के कारण उनको लग जाता है. पर प्रभु की दया हम पर है. पर देवाची दया आपल्यावरती आहे. आणि त्याने आपल्याला वाचून ठेवलं. ये प्रभु की दया मतलब प्रभु है. आणि ही देवाची दया म्हणजे देव आहे. तो पहिला मुद्दा मैंने क्या बताया. आणि पहिला मुद्दा मी तुम्हाला काय सांगितलं. हमें परमेश्वर की क्या करना है. आणि आपण देवाची काय केली पाहिजे. महिमा करना है. आणि गौरव केला पाहिजे. सब पहिले हमें परमेश्वर की. आणि आपण सर्व म्हणणार आपल्याला देवाची. हमें परमेश्वर की. आणि आपल्याला देवाची की. अरे उसको भी बोलते कभी बोलो. हमें परमेश्वर की. आपल्याला देवाची. हां बोलो. महिमा करना है. और दूसरा मुद्दा क्या देखा हमने. दूसरा मुद्दा पर क्या बोला. God is the creator and sustainer of this world. आई देव आपला निर्मिती करता आहे. परमेश्वर इस ब्रह्मांड का केंद्र है और अधिकारी है. आई देव या सृष्टीचा केंद्र आहे आणि तो अधिकारी आहे. हम सब बोलो. आई देव सर्व बोला. परमेश्वर इस सृष्टि का अधिकारी और केंद्र. मतलब केंद्र का मतलब क्या. एक केंद्र जैसा रहता है तो उधर अधिकार जताया जाता है उस बात पे और वो कंट्रोल किया जाता है केंद्र से. तो उसको बोला जाता है. आणि केंद्र म्हणजे काय काय गोष्टी होते अधिकार दर्शवण्याचे त्यांना तिथून काय केले जाते नियंत्रण ठेवले जाते त्याला बोलतात केंद्र. तिसरा देखेंगे. आणि तिसरा आपण बघूया. बाइबल का परमेश्वर हमसे चाहता है. आणि बाइबल मधून देव आपल्याला सांगतो. उसका नाम राष्ट्रों के बीच. आणि त्याचं नाव राष्ट्रांमध्ये विशेष रूप से. आणि विशेष रूपामध्ये उसके चुने हुए लोगों के बीच आराधना की जाए. आणि त्याचे निवडलेले लोकांमध्ये त्याची उपासना करण्यात यावी. परमेश्वर हमें क्या चाहता है. आणि देवाची काय इच्छा आहे. हमें ऐसा नहीं सोचना की आज हम ये ऐसे राष्ट्र में आए जहाँ कुछ नहीं है परमेश्वर की कोई भी महिमा नहीं करता. आणि आपण अशा राष्ट्रामध्ये आलेलो आहोत जिथे कोणी देवाची महिमा करत नाही. आम्ही काय करेल. आणि आता काय करावं. परमेश्वरने काय की उधर भी तू महिमा कर. आणि देवाने आपल्याला सांगितले की तिथे सुद्धा तू माझा गौरव कर. और परमेश्वर क्या चाहता है. आणि देव काय म्हणतो. विशेष रूप से. आणि विशेष रूपामध्ये चुनावी लोगों के बीच में. आणि त्याच्या निवडलेल्या लोकांच्या मध्ये. हम जब एक दूसरे के साथ संगति करते हैं. आणि जेव्हा आपण एकमेकांसोबत संगति करतो तब हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए. आणि तेव्हा आपण देवाची उपासना केली पाहिजे. परमेश्वर का नाम ऊंचा करना चाहिए. आणि देवाचा परमेश्वर का नाम जब हम ऊंचा उठाते परमेश्वर की महिमा होती है. आणि जेव्हा आपण देवाचा नाव ऊंचा उचलतो तेव्हा देवाचा गौरव होतो. मैं ऐसा नहीं बता बोल रहा हूँ की आप लोग हमको बता के आप लोग एक दूसरे को मिलो. आणि मी असं सांगत नाही की तुम्ही आम्हाला सांगाच फक्त एकमेकांना भेटा. आप लोग बहुत लोगों को जाके मिलो एक व्यक्ति को. आणि तुम्ही खूप लोक एकत्रित येऊन एका व्यक्तीला भेटायला जा. हमें लोगों के ऊपर भी बोझ नहीं लेना है. आणि आपल्याला लोकांवरती सुद्धा ओझे टाकायचे नाही. अभी मैंने उदाहरण दे दिया. आणि मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं. जैसे की कश्मीर आंटी और प्रवीण आंटी का. आणि कश्मीर तो कश्मीर आंटी के घर में बार बार अभी विमल रमीला आंटी जा पाएंगी. क्यों. दूरी के कारण कुछ बातों के कारण उन जा नहीं पाएंगी. क्यों. उनका भी घर है उनकी भी बच्चे उनकी भी हस्बैंड है उनका भी ख्याल रखना है उनको. वैसे उनका भी ख्याल रखना है कि उनके भी बच्चे उनके भी हस्बैंड है उनका भी काम है तो उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना है. पर बहुत लोग क्या करते हैं अभी संगति करने वाला है ना अभी हमारे घर का खाना बनाने का बच गया. आज मैं इसके घर में जाऊंगा कल उसके घर में लिस्ट बना के रखेंगे. लोगों के ऊपर इतना तो बहुत मत बनो. परमेश्वर ने क्या बोला संगति करो. और आप लोग लिस्ट बनाएंगे और लोगों को भी इकट्ठा करेंगे उसके ऊपर बोझ डालने की. और अकेले जाओ संगति करो. देखो मैं आपको बता दूं हम सब लोग अगर एकत्रित जाते उधर भी परमेश्वर की महिमा होती है. आणि आपण जेव्हा सर्व एकत्रित जातो तेव्हा तिथे सुद्धा देवाच्या नावाचा गौरव होतो. पर जो एक संगति बोलते हैं ना. आणि एक संगति सांगतात. देखो मैं आपको बता रहा हूँ हम भी बहुत सारी प्रार्थना में आप सब लोग आए हैं. आणि खूप सारे प्रार्थना सभांमध्ये तुम्ही सुद्धा आलेला आहात. जैसे रजनी जी के घर पे रहते प्रार्थना. आणि रजनी जी च्या घरी प्रार्थना असते. तो आशा आंटी को हम लोग बात करते जा रहे हैं या हम लोग अपने लोगों में बात करते रहते हैं. आणि आशा काकी सोबत आम्ही बोलत जातो की तुम्ही तुमच्याच लोकांमध्ये बोलत जाता. हम गए क्यों उनके घर में. आणि आपण गेलो का त्यांच्या घरी. प्रार्थना के लिए गए वो मत बताओ पर क्यों गए. आणि प्रार्थना साठी गेले तेला का सांगू पण का गेलेला आहोत. संगति करणे पर हम किससे संगति कर रहे हैं. आणि संगति करण्यासाठी पण उनका घर आपने आपके संगति के लिए बनाया है. आणि त्यांचं जे घर आहे ते आपण आपल्या संगतीसाठी तयार केलेला आहे. समज कीजिए. आणि असं नका करू. प्रयत्न कीजिए की अकेले जाके उनसे संगति करें. अभी बहुत लोग रहते तो हमसे जमता भी नहीं संगति करना ये बराबर है मैं भी जानता हूँ. आणि प्रयत्न करा की एकटे मध्ये जाऊन त्यांच्यासोबत संगति करा. खूप लोक असतात की त्यांच्याशी संगति करायला जमणार नाही.
वाला सदा माहित आहे. जब हमारे लोग मिलते, हमारे दोस्त लोग मिलते, हम लोग एंजॉय करते, एक अच्छा लाइफ जीते, एक अच्छा टाइम पास करते. आणि जेव्हा आपण आपल्याला आपली मित्र मंडळी भेटते तेव्हा आपण काय करतो, एन्जॉय करतो आणि शांत रीतीने जीवन व्यतीत करतो. कभी कभी अपने दोस्तों को भी बताओ, बोलो उनसे आप आज मैं तेरे घर पे आता हूँ, कल तू आ जा, ऐसा हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी संगति बढ़ेगा. आप सब लोग जानते हैं जगदीश मेरा दोस्त है. मैं एक बार तक उनका घर भी उनके घर भी नहीं गया. उन्हें बोला है बहुत बार पर कुछ कारणों के कारण नहीं जा पाया मैं. तो ये दोस्ती सच्ची दर्शाई जाती है. हम लोग दोस्त बोले तो उसके साथ संगति भी करना चाहिए. वो हमेशा ही कराता है, वो हर समय मैं बोलूंगा हाउस चलता है तो मम्मी को पूछता है कि चलता है, तो हर बात ही मानता है. तो मेरे तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसके घर में जाकर उससे संगति करना, उससे बातचीत करना. एक उदाहरण दिया मैंने. उसकी माँ बोलती है जोशुआ यानी जा तू. आई त्याची मम्मी म्हणते की जोशुआ आहे मग तू जा. अब प्रार्थना के लिए ना कभी नहीं बोलते. आई प्रार्थना सभी की कभी नकार देते हैं. तो ये क्या बात है, हम दोस्त इतने सालों से पर उनके घर में भी मैंने नहीं गया, तो ये गलत बात है मेरी. आणि एवढे वर्षांपासून आमची मित्रता आहे पण मी एकदा सुद्धा त्याच्या घरी गेलो नाही, माझी चुकीची गोष्ट आहे. हम दोस्ती तो बोलते हैं लोग हमारे चर्च के लोग, पर हम उनका घर जानते हैं. आणि आपण मैत्री तर म्हणतो पण आपले जे चर्च मध्ये जे व्यक्ती आहेत त्यांचा आपल्याला घर माहिती आहे का? कुछ लोग क्या करते, चुपके आने के कारण इधर अच्छे से दोस्त बना लेंगे, इधर अच्छा अपना संगति रखेंगे. जब समय आएगा आमा पूछेंगे आपका घर कहाँ पे, ऐसे एड्रेस बताएंगे इन लोग उधर पूरा दिन घूमते रहेंगे, मिलेगा नहीं. पूरा दिन घूम के इन लोग दिन को पूरा शाम हो गया, शाम होने के बाद इन लोग कॉल करेंगे बोलेंगे हम लोग इधर यहाँ पे मिला नहीं, हम बोलेंगे छोड़ो आ जाओ. अभी मेरे को समझता नहीं कि उनको एड्रेस बोलने में प्रॉब्लम है या उनको घर पे बुलाने का नहीं है. आणि मला तर समजते की त्याला त्यांचा एड्रेस आणि ते त्रास आहे की त्याला त्यांच्या घरी बोलवणे म्हणजे त्याला त्रास वाटतो. हम लोग मसीह हमको डरपोक नहीं देना. आणि आपण ख्रिस्ती आहोत म्हणून आपण नाव देले नसले पाहिजे. जहां पे भी रहते उधर हमारे परमेश्वर की महिमा होने की. आणि आपण जिथे कुठे राहतो तिथे आपल्या देवाचा गौरव झाला पाहिजे. आणि हम जब इकट्ठा होते तो परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए. आणि जेव्हा आपण एकत्रित होतो तेव्हा आपण देवाची उपासना केली पाहिजे. दुसरा मुद्दा हम देखेंगे परमेश्वर विश्वासी लोगों ने परमेश्वर के बढ़ोतरी में आर्थिक बढ़ोतरी के लिए क्या करना चाहिए, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए. आणि विश्वासी लोकांनी त्यांच्या आर्थिक वाढ होण्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे, त्यांचं जे चरित्र आहे ते चांगलं असलं पाहिजे. विश्वासी लोक विकास होण्यासाठी चरित्र बहुमूल्य आहे. आणि विश्वासी लोकांचा विकास होण्यासाठी त्यांची वाढ होण्यासाठी त्यांचं जे चरित्र आहे ते बहुमूल्य आहे. पहिला मुद्दा उसमें. आणि त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा सच्चा विश्वासी का विकास के लिए. आणि खरा विश्वासाच्या विकासासाठी पहिले पश्चाताप करना. आणि पहिले पश्चाताप और यीशु मसीह के गौरवशाली सुसमाचार पे विश्वास करना आवश्यक है. आणि यीशुचे जो गौरवशाली जी सुवार्ता आहे त्याच्यावरती विश्वास ठेवणे फार महत्त्वाचं आहे. हम सब ने कर चुके इसलिए अभी हमें लोग जो आते हैं उनको हम लोग बढ़ाना है. आणि आपण हे सर्व केलेलं आहे म्हणून आता जी नवीन लोक येतात त्यांना आपण वाढवलं पाहिजे. आप लोग हमारे ट्रैक्स मांग सकते, आप लोग सुसमाचार देते उनको ट्रैक्स दे सकते, आप लोग पूछ सकते. आणि तुम्ही जर कोणी ट्रैक्स मांगू शकता त्यांना सुवार्ता देऊ शकता त्यांना विचारू शकता. सुसमाचार कैसा देना है वो भी आप पूछ सकते अगर आपको आता नहीं तो. आणि सुवार्ता कशा आप कोई भी जुड़े भी व्यक्ति हो गए आपको सुसमाचार देने नहीं आता आप पूछ सकते, हम खुशी से आपको सिखाने के लिए तैयार है. हम लोग भी आपको खुशी से सुसमाचार देने कैसे देने का बता सकते हैं. हम सुसमाचार के ऊपर मैं जोर क्यों दे रहा मैं आपको बताना चाहता हूँ. परमेश्वर का आत्मा निकट है. और हमारा भी उद्धार होना. आणि आपले सुद्धा तारण होणं. और हमारे लोगों का उद्धार होना. आणि आपले लोकांचं तारण होणं. बहुत आवश्यक है. आणि फार आवश्यक आहे. हमारा उद्धार होगी हमारे घर के लोगों का नहीं, हमारे दोस्त की दोस्ती दोस्त लोगों का उद्धार हुआ नहीं, या किसी का भी हम लोग से जो जुड़े हुए या पराए हो उनका उद्धार नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए धोखा है. धोखा मतलब एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. आणि आपलं तारण झालेलं आहे पण जर आपल्या कुटुंबाचं आपल्या नातेवाईकांचं आपल्याशी जे जुडलेलं आहे किंवा आपल्याचे मित्रमंडळ आहे जर त्यांचं तारण झालेलं आहे ते आपल्यासाठी एक फार मोठा धोका
अगर हम सुसमाचार देते पर सामने वाला अगर सुसमाचार को सुनने में उसको ग्रहण नहीं कर रहा तो फिर उसको छोड़ दो, उसको फिर सुनाओ मत और उसके लिए प्रार्थना करो। और मेरी बात जब भी आप सुसमाचार देते हैं, कोई भी सुसमाचार प्रचार मैं आप जब भी सुसमाचार देते हैं आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उस गाँव के लिए प्रार्थना करो। आपको निकाला गया या आपने दे चुके हैं, आप टीचर में उस व्यक्ति को मिले या उस गांव में गए आप उसको प्रार्थना में जब आपके वही की प्रार्थना में ऐकत नाही किंवा आले नाही इशू मध्ये अजूनपर्यंत त्यांच्यासाठी आपण आपल्याला प्रार्थना करायला पाहिजे। तो हमें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। पर अगर जो व्यक्ति डायरेक्ट कहता है कि जो सुसमाचार तुमने शेयर किया है जो इशू पर मेरे को भरोसा नहीं, उसके लिए छोड़ दो उसको। जो सुसमाचार पे विश्वास करता है बोला मैं आऊंगा तो उसके लिए हमको प्रार्थना में रखना है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हम पानी डाल सकते हैं, पर बढ़ाने वाला वही है। बढ़ाने वाला बहुत बहुमूल्य होता है और वो परमेश्वर है। आई वाढवणारा बहुमूल्य असतो आणि ते देव आहे। इसलिए पौल क्या कहता है, आई म्हणून पौल काय म्हणतो, मैंने लगाया आणि मी लावलं, अपोलोस ने पाणी डाला आणि अपोलोस ने पाणी टाकलं, बढ़ाई किसने आणि वाढवलं कोणी, परमेश्वर देवाने। हम पढ़ सकते पहला करंथियों 1:18-25 में, आणि आपण पहला करंथियों 18:25 मध्ये वाचू शकतो, जो भी सुसमाचार सुनता है अगर वो मूर्खता उसको नाश होने वाली उसको सुसमाचार जो है अगर उसको नाश होने वाला रहेगा वो व्यक्ति नाश होना है तो पूरा पढ़ सकते हैं। हम दूसरा मुद्दा देखेंगे, सच्चे मसीह विश्व विकास के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है। अनुशासन को हमारे जीवन हमारे प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्यों का ईमानदारी से ईमानदारी के हिस्से का करना करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यीशु मसीह के सुसमाचार को पृथ्वी पर अवधि के लिए सही प्रेरणा के लिए योग्य प्रेरणा भेटने सटीक लक्ष्य के साथ योग्य लक्ष्य सब जब तक प्रभु हमें महिमा के लिए नहीं बुलाते तब तक हमारा जो लक्ष्य है हमारा जो अनुशासन है मसीह जीवन में कभी तक रहना चाहिए प्रभु के आने तक या हमारे प्रभु के पास जाने तक। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना मेरे को डिसिप्लिन किया जा रहा है इतना मेरे को अनुशासन लगाया जा रहा है डिसिप्लिन अगर देखा गया तो डिसिप्लिन जो एजेंट रहते हैं उन तक उनको भी लगाया गया उनको भी पूरे डिसिप्लिन नहीं बोले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति 100% डिसिप्लिन नहीं है। हर एज में हर बातों में वो सीखता है डिसिप्लिन अनुशासन उसी जीवन में सीखता है। अनुशासन हमें कौन लगाता है परमेश्वर और कौन लगाता है देव आणि कोण लावतो आई वडील और माता पिता कलीसिया और आई मंडळी कलीसिया की प्रेरित आणि मंडळीचे प्रेषित कलीसिया के लोक आणि मंडळीचे लोक अनुशासन लगाते आणि आपल्याला शिस्त लावतात अनुशासन परमेश्वर यीशू मसीह ने भी बोले की कलीसिया में अनुशासन होना चाहिए आणि यीशू ख्रिस्ताने सुद्धा सांगितले की शिस्त ही मंडळामध्ये असलीच पाहिजे मध्यदेह में प्रभु ने कहा आणि मध्यदेहामध्ये देवाने सांगितलं अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है आणि जर कोणता पहले उसको एक चीज दिन से समझाओ दो या तीन व्यक्ति को लेके जाओ चर्च में लेके आओ चर्च में नहीं सुना निकाल डालो इंग्लिश में मेरे को शब्द बहुत अच्छा लगता है एक्सकम्युनिकेट निकाल देना जाना निकाल दिया जाना मतलब हम लोग एकत्रित है पर हम लोग को उसमें से निकाला गया है
हम कलिसा में लागू करना चाहिए हम आपको क्षमा करते रहते क्षमा करते आप लोग बहुत आप लोग नहीं बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं गलतियों के ऊपर गलती गलती के ऊपर गलती चर्च के विरुद्ध गलतियों को करते जाते तीन बार उसको चांद देने के बाद चौथी बार निकाल देना चाहिए हम तीसरा मुद्दा देखेंगे ईसाई विकास के लक्ष्य मसीह विकास का लक्ष्य लक्ष्य हमारा जो मसीह में आत्मिक बढ़ोतरी है हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्या कर कैसे होना चाहिए प्रत्येक मसीह को प्रभु की महिमा के लिए नया जन्म दिया जाता है हालांकि मसीह विश्वासी को मूल्यांकन करते समय उसका कीमत लगाने के समय कीमत उसको क्या विचार करने चाहिए कि वो एक पहलू है पहलू मतलब सिक्का है हम लोग जब कीमत लगाते हैं ना हम कोई भी सामान ले जाकर मैंने ये सामान लिया तो इसका कीमत है तो हमारा भी जीवन का जो नए जन्म पाए हुए लोगों का हमारा कीमत है जीवन का पहले हमारे जीवन का कोई कीमत नहीं था पर जब हम मसीह बने मसीह में यीशु को मानने लगे तब हमारे जीवन को क्या हुआ कीमत हुआ एक अच्छा बहुमूल्य हो गया हमारे जीवन और वो सब किसके कारण यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के कारण तो हम उसके अंदर भी हम लोग कुछ मुद्दे देखेंगे मसीह विकास का लक्ष्य मसीह के समान होना चाहिए हम यीशु के जैसा बन नहीं सकते पर उसकी समानता में हो सकते हैं मेरा बात आपको समझा हम लोग यीशु के जैसा बन सकते हैं पर उसके जैसा होना हमको बहुत अवगढ़ है हम उसके जैसा बन नहीं सकते कभी पर हमें बनने की कोशिश करना है और यीशु के जैसा होना चाहिए सही वाक्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें मसीह की समानता है में होना चाहिए मसीह के समान होने कोई विकल्प नहीं है बल्कि सब विश्वासियों का अंतिम लक्ष्य वही है हम जब भी मर जाएंगे तब हम क्या हो गए उसके समान हो गए हमने पढ़ा बाइबल में हमारा महिमा में रूप होगा और हम उसके समान हो गए यदि मसीह के समान बनने का तथ्य एक आस्तिक और को उत्तेजित नहीं करता है तो ये बहुत संभव है कि आस्तिक के प्रकार के पास विश्वास छोटा पेशा हो गया विश्वास अगर हम लोग का एक आस्तिक मतलब हमारा जो विश्वास हमने किया हम लोग ने जिस पर विश्वास किया पर हम लोग उस विश्वास के लिए काम नहीं किए हम लोग उसमें ध्यान नहीं दिए तो हमारा जो विश्वास है क्या हो गया छोटा रह गया हमने सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है बोल के किया बोला गया बोल के किया करते हैं तो कर देंगे इसलिए किया वो नहीं आज संसार में सब लोग हम लोग भी क्या करते थे लोग करते हैं बोल के करेंगे लोग पानी पीते बोल के हम पानी पियेंगे लोग पानी में जाते बोल के हम जाएंगे लोग ये करते बोल के हम करेंगे उसने लाल शर्ट पहना है मेरे को अच्छा दिखेगा उसको अच्छा दिखेगा तो मेरे को भी अच्छा दिखेगा उसने किया तो मैं भी करूँगा लाल शर्ट
हम करते थे वो करते हैं हम भी करेंगे, वो करते हैं हम भी करेंगे, हमारे जीवन ऐसा था। अब हमारा जीवन क्या परिवर्तन होना चाहिए, मसीह ने हमारे लिए किया है उसका पदचिन्ह पर हमको चलना है। हमें परमेश्वर ने विश्वासी बोल के चुना है, विश्वासी कभी कभी एक ऐसे चरण से गुजरते हैं जहाँ वे परमेश्वर की इच्छा नहीं रखते, जैसा कि परमेश्वर ने करना चाहिए, परमेश्वर को चाहिए। हम वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना और संगति के माध्यम में एक विश्वासी ये समझने के लिए पढ़ता है, समझने मसीह के समान होने की ही विकास के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर हम क्या सोचते हैं, हाँ प्रार्थना करने से होगा, पर हम क्या करते कार्य में दिखाते नहीं है। हमको कार्य में करना चाहिए, अपन पढ़ सकते हैं ईश्वर की पद्य अध्याय 4:11-13 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 11:1, पहला कुरिन्थी पत्र 11:1 और दूसरा तीमोथी 1:9, हम पवित्र होने के लिए एक मसीह विश्वासी को प्रतिदिन वचन में डूबे रहना और उसमें आधीन रहने के द्वारा और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना समझना और लागू करने के द्वारा उसके परमेश्वर के विचारों को सोचकर शरीर के दिखाना चाहिए। प्रतिदिन हमें पढ़ना और समझना और हमारे जीवन में लाना चाहिए। हम लोग मैं बोला कि दूसरा जीवन के अध्याय 1:9, पहला करंथी 11:1, पहला 4:11-13, यह विश्वासी के जीवन में विश्वासी लोगों के जीवन में परमेश्वर और पवित्र आत्मा के कार्य पर पूर्ण निर्भरता का प्रयोग करना के द्वारा होता है। इसका अर्थ क्या है, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहेंगे और हम सब ये करेंगे कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का जो वचन पढ़े उसको हमारे जीवन में लागू करेंगे, उसके जैसा चलेंगे, वो जो बोल रहे हैं हम करना चाहेंगे मतलब करते हैं का प्रयास करेंगे, तो परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। प्रयत्न करू तो पवित्र आत्मा के ऊपर हमको निर्भर रहना है और जो हम लोग पढ़ेंगे वापस से एक वचन लास्ट वचन गलतियों का पत्र 5:24, जो कोई मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर और उसकी लालसाओं को शरीर अभिलाषाओं को समय क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभिलाषा सहित हमें क्या करना है, हमें सब कैसे कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे हमारा जो अभिलाषा जीवन का सब बातें हैं, हम लोग की जो भी लालच लालसा है जीवन में, हम लोग ये चाहिए वो करना है वो हम सब प्रभु के पास छोड़ दो। और प्रभु की इच्छा है तो प्रभु पूरी करे, हमें उस क्रूस की ओर देखना है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। हमारे शरीर की बहुत सारी लालसा है अभिलाषाएं रहती है, मैं इसलिए बोला ना लोग करते बोल के हमें करना है, लोग दिखते उसमें अच्छा है इसलिए हमें भी करना है, लोग ये करते बोल के हमें करना है ये नहीं। आई लोग हमें शरीर की अभिलाषा क्रूस पर चढ़ा देना है, आपके जो शरीर है जो अभिलाषा है वासना है तेला क्रूस पर चढ़ाई जा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा, आई मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे समझ गए और हम करने का प्रयास करेंगे, आई हमें करने से सुबह प्रयत्न करो। प्रभु हमें से यही चाहते हैं, आई देवल है अपने को यही इच्छा है कि हम प्रभु में बढ़े, कि आप देवा मध्य वाड़ो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आई सर्व पहले हम काय करायचा, प्रभु पे विश्वास रखना है, देवा पे विश्वास ठेवायचा आहे, आत्मा का जो दान दिया है उसे हमें उद्धार
आणि त्याचे जे आत्म्याचे जे वरदान त्यांनी दिलेलं आहे तारण सुसमाचार जो आम्ही सुनाया गया वो आईची सुवार्ता आम्हाला ऐकवण्यात झाली की आम्ही विश्वास करणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला विश्वास करायचा आहे आपल्याला बक्तिस्मा लेना आहे आपल्याला बक्तिस्मा घ्यायचा आहे आम्हाला जो उद्देश आहे आणि आपला जे उद्देश आहे आम्हाला जो दिशा आहे आम्ही जी दिशा आहे वो कन्फर्म करणार आहे आणि ती आपल्याला काय करायचं आहे कन्फर्म करून घ्यायची आहे बोल तो क्या करायचं सच में मेरे जो उद्धार पाया वो सही है आई बोल काही लोक काय करतात खरोखर मी जे तारण प्राप्त केलेलं आहे ते योग्य आहे मी सच में उद्धार पाया है आणि खरोखर तारण प्राप्त केलेलं आहे किंवा मला ते प्राप्त करायचं आहे का पा चुके हो आई तुम्ही लोकांनी ते प्राप्त केलेलं आहे आपको उसका ख्याल रखना है आई फक्त तुम्हाला त्याचा काळजी घ्यायची आहे दुसरा आपका उद्देश क्या है उसके ऊपर आई दुसरा तुमचा उद्देश काय आहे त्याच्यावर आपका चरित्र कैसा है आप लोग आत्मिक जीवन में बढ़ रहे तो आपका चरित्र कैसा होना चाहिए आई तुम्ही आत्मिक रीति मध्ये जर तुम्ही वाढताय तर तुमचं जे चरित्र आहे ते कशा रीतीने असलं पाहिजे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए आई तुमचं जे लक्ष्य आहे ते काय असलं पाहिजे तभी हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर के राज में आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ सकते हैं आई तेव्हाच आपण देवाच्या राज्यात तो किसी को कोई प्रश्न आणि कोणाला काही प्रश्न कोई प्रश्न आहे आपको उद्धार के बारे में उद्धार के ऊपर पूछ सकते आणि काही जर तुम्हाला कारणावरती प्रश्न असेल तर तुम्ही ते विचारू शकता तो बाइबल है क्या आणि बाइबल आहे काय तुमको सबको मालूम आहे परमेश्वर का वचन आहे आणि तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की ते देवाचं वचन आहे तो हम लोग थोड़ा ऐतिहासिक रूप से भी देखेंगे कल आणि उद्या आपण ऐतिहासिक रूपामध्ये सुद्धा बघूया बाइबल हमारे तक कैसे आया आणि बाइबल आपल्या परमेश्वर ने वचन कैसे दिया और कैसे उसको विभाग मतलब वो कैसे डिवीजन से उसमें आई देवा ने आपने वचन कशा रीति ने दिला ने कैसे मुझे कितनी विभाजन आते हां उस डिवीजन क्या बोलते हैं भाग हां उसका कितना भाग है कौन से भाग में कौन सा वचन अध्याय है कौन सा पुस्तक है वो देखेंगे आई कैसे मुझे कितनी भाग आए थे कैसे मुझे कितनी पुस्तक आए कितनी अध्याय आए इधर कितने लोगों को इतिहास अच्छा लगता है आई इतने कितने लोगों का इतिहास आवडतो बाइबल का इतिहास भी अच्छा लगता है आणि बायबलचा इतिहास कोणाला आवडतो मतलब आपको बाइबल के बारे में आपको इतिहास सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं ऐसा पूछ रहा हूं आई बाइबल से बच्चों जी इतिहास है कि तुम्हारा आईडिया आवर्त कि नहीं ऐसा नहीं तुम्हारा विचार देखो आप लोग सोचते रहेंगे ये सब क्या है ये शिक्षण आई तो भी सब विचार करते सके ये शिक्षण का है आप लोग को भी पता होना चाहिए कि आप लोग जो बाइबल पढ़ते हो कैसे आप तक पहुंचा है आई तुम्हारा सुधा ये माइंड सबसे पहले तो तुम भी जी बाइबल वापस थी तुम जब अलग कशा रीति ने पहुंचोगे सारे हम सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं पढ़ने बोला है प्रभु ने आज्ञा दी है बाइबल पढ़ो हम पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं बाइबल हम पढ़ते हैं क्योंकि प्रभु ने बोला है आई बाइबल आम्ही का वाचतो कारण देवाने आपल्याला सांगितलेले आम्हाला देण्यात आलेलं आहे म्हणून आम्ही ते वाचतोय और आगे हम देखेंगे कि बाइबल का क्या महत्व है और बाइबल हमें कैसे पढ़ना है कैसे समझना है आई पुढे आपण बघणार सुद्धा की बाइबलचं काय महत्व आहे कसा रीतीने आपल्याला वाचायचं आहे हम सिर्फ लाइन पूरा पढ़ते जाना है बोलके पढ़ते नहीं जाना आई फक्त आपल्याला ती लाइन वाचायची आहे म्हणून वाचत जायचं नाही आप लोग जब मोबाइल में मैसेज पढ़ते हैं आई जेव्हा तुम्ही मोबाइल मध्ये मैसेज करता तो आप लोग समझते हैं ना वो व्यक्ति क्या आपसे बोलना चाहता है तो तुम्ही ते समजून घ्यायची इच्छा करता ना की तो व्यक्ति समझ काय बोलत आहे सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ भी बोल रहा है उसका स्पेलिंग मिस्टेक करेगा पर आप क्या लगा दे अनुमान लगा दे और वो बात को पकड़ लेते हैं आई समोरचा व्यक्ति जैसे स्पेलिंग मध्ये मिस्टेक असेल तर तुम्ही लोक काय करता त्याचा अनुमान लावता अंदाज लावता की रे ती गोष्ट तुम्ही समजून घेता आई बहुत सारे शॉर्टकट्स निकले वर्ड को वर्ड के बहुत सारे शॉर्टकट्स निकले आई आता शब्दांचे खूप सारे शॉर्टकट निकले अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको पूछते भी हो ऐसा तुम्हाला ते माहित नसेल तर तुम्ही त्या व्यक्तीला विचारून सुद्धा घेता तो आप लोग क्या करते हैं आप पढ़ते तो आप समझना चाहते हैं कि क्या वो कहना चाहता है मेरे से आई जब तुम ये वास्तव में तुम समझने के लिए इच्छा करते कि क्या कहना माजे माजे से माजे सोच काय बोलायचा आहे तो हम देखेंगे कि बाइबल भी हमसे क्या कहना चाहता है आई मग आपण बघूया की बाइबल सुद्धा आपल्याशी काय बोलायचा आहे हमेशा देखेंगे आणि उद्या आपण सर्व काही बघणार तो मेरी उम्मीद है कि आएंगे और कल से शायद प्रश्न रह सकते मेरे को ऐसा लगता है आई माझी अशा आशा आहे की तुम्ही खूप लोक इथे येणार आणि माझे खूप सारे तुमच्याकडे प्रश्न सुद्धा मेरे नहीं होंगे आई तुमचे माझ्याकडे खूप सारे प्रश्न सुद्धा असतात तो प्रभु आपको आशीष दे आई दे तुम्हाला आशीर्वाद करू मैं आपको शॉर्टकट शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि हमको जैसे हम आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए क्यों होना चाहिए आई मी तुम्हाला थोडक्यात मध्ये सांगतो की जे आपली आत्मिक वाढ आहे ती का झाली पाहिजे हम आत्मा में नहीं बढ़ेंगे परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं चल सकते आई जर आपण आत्मा मध्ये वाढलो नाही तर आपण देवाच्या राज्य मध्ये आणखी चालू शकणार नाही सिर्फ मसीह बोल के मसीह है मैंने उद्धार पाया मैंने विश्वास किया बपतिस्मा लिया इससे काम नहीं होता आई मी ख्रिस्ती आहे मी ख्रिस्ती म्हणून मैं बाइबल पढ़ता हूँ कल पढ़ा था आणि मी बाइबल वाचतो मी काल वाचलेलं होतं अभी पढ़ चुका हूँ आणि आता वाचून झालेला आहे ये रोज का क्रम है हमारा आणि असं हे आपला रोजचा क्रम आहे बाइबल पढ़ना ही हमारा रोज का क्रम है आणि बाइबल वाचणे हे आपला नित्य क्रम आहे तब आपको इस वचन से आशीष दे आणि देव तुम्हाला या वचनाद्वारे आशीर्वाद देतो आओ प्रार्थना करें या आपण प्रार्थना करू या मैं सुखी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दे इस समय के लिए बिना
आपने हमें इधर चुना भी था, आपने हमें उद्धार दिया, जो आपका उद्धार है फ्री गिफ्ट है, आपकी दया से हमको आज उद्धार मिला पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। हम चाहते कि हम अभी तक कोई भी हम में से परिपूर्ण नहीं है, हम बहुत बातों में चुकते हैं, गलतियाँ होती हैं हमसे, हमें सहायता कीजिए कि वचन को हम अपने जीवन में लागू करें। हम सुनते तो हैं पर हम सुन के करने वाले भी बने पिता, आप सहायता कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आए हम सबका जीवन में, हम सबके जीवन में आप कार्य कीजिए, आपके प्रतिक्रिया, आपका उद्धार, आपका जो उद्धार है वो हमारे जीवन में मिले, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु गांधी के फैमिली के लिए, मेवाद गांधी के फैमिली के लिए, चन्ने मौसी के फैमिली के लिए, शोभा जी के फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रानी कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, जादव कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों जादव कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, आर्या कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, चंद्रा कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, सातपुत्र कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता मत्स्य कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, मारेराव कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, राम कृष्ण के कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, डोले कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिवाणी के कुटुंब के लिए, कामले कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु बोर्डे कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, नागौ कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मम्मी के कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, आड़ाव कुटुंब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मनीषा आंटी के कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, मीना आंटी के कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु और मनीषा आंटी की जो सारा बहन के कुटुंब के लिए हम प्रार्थना करते पिता, हम सुवर्ण आंटी के कुटुंब के लिए, जादव मेगा आंटी के कुटुंब के लिए प्रभु, और ये कामले कुटुंब के लिए प्रभु प्रार्थना करते पिता, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं, सरस्वती आंटी के कुटुंब के लिए प्रभु, गायकवाड़ कुटुंब के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, सबके कुटुंब को आशीषित दीजिए, और प्रार्थना करते हैं सूर्यवंशी अंकल के कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीषित दीजिए, और शिंदे कुटुंब के लिए, सरिता शिंदे कुटुंब के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके भी कुटुंब को आशीषित दीजिए, हमारे भी कुटुंब को आशीषित दीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबके कुटुंब को आप में भरे रहने के लिए, और आप में और आत्माएं हमको लाने के लिए आप सहायता दीजिए, हम सिर्फ हम हमारे तक उद्धार हम सीमित नहीं रखें, पर हम सब हमारा उद्धार जो आपने हमको लिया और बांटे, आपकी यही इच्छा है, आपने हमें यही पुकारा, जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा चेला बनाओ, आपने ये हमें आज्ञा दी है, हमें ये पूरा करना है पिता, सिर्फ जो दो सेवक है उन लोग ही नहीं, सबको आपने सबके ऊपर ये अधिकार दिया है सुसमाचार का, हम करें पूर्ण रीति से, इसलिए सहायता मदद कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।